गुड मॉर्निंग। चले हम आज दोबारा ट्रेनिंग करने, नया दिन नई शुरुआत। मेरे साथ आज फिर हैं अमनप्रीत पाजी सिंह अमनप्रीत सिंह पाजी फ्रॉम ONGC। हाँ जी पाजी, मैं ना इसके कमेंट्स में देखता था, ये जो भी नए बच्चे हैं उनको लगता है कि भाई तो पता नहीं जो भी इंटरनेशनल शूटर्स हैं पता नहीं क्या करते होंगे, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, शूटिंग एक वरदान है। हम जो शूटिंग लाइन में हैं, क्योंकि हम कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज करके हम शूटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे पास एक लड़का आया, मतलब स्टूडेंट ही था, तो उसने पूछा कि सर आप कोक पी रहे हो? तो ये तो हमारे कोच ने बोला है कोक पीने से हाथ शिवर होता है, ये होता है, वो होता है। तो मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए एक बोतल एक्स्ट्रा पी फिर मैंने। तो बॉडी देखो पहले तो आप चेक करो, अभी तो मोटा हो गया, नहीं तो एक मिनट फिर दिखाई देता। हाँ दिखाई दो, चेक करो थोड़ा चेक कर। मेरी लेग्स जितनी दिन के बाइसेप्स हैं। जब वर्ल्ड कप में मेरा मेडल आया तब मेरा ये 17 इंचीज का तो बाइसेप था, नहीं तो हमारे ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक्सरसाइज नहीं करनी, वेट नहीं करनी, मतलब वेट तो उठाना ही नहीं, शूटर्स को तो बस यही लगता है। हाँ और वो ही हमने मेन हमारा जो मकसद है वीडियोस बनाने का कि शूटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जो मिथ्स हैं उसको ख़त्म करें, हमारे सीनियर शूटर्स से मिल के जो भी फैक्ट्स हैं वो बताए जाएँ। तो ऐसे ही है, क्योंकि हम भी यही चीज़ें सुनते थे, तो हमें भी लगता था अगर वेट ट्रेनिंग करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं भी डरता था। पर जब शूटिंग एक बार डाउन आई तो मैंने कहा कुछ नहीं, अब बॉडी बनाते हैं, जिम करते हैं। सेम सेम। हाँ तो जब जिम करना शुरू किया शूटिंग भी अच्छी होनी शुरू हो गई, तो मैंने कहा ये तो वैसे ही बात फैला रखी, तो जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। तो जिसको भी डाउट है वो खुद जाके करे जिम में और उसको खुद पता चल जाएगा। हाँ पहले 2-4 दिन मसल्स पेन होगी, उससे घबराना नहीं, वो तो ऑब्वियसली बात है। जब पहले दिन पिस्टल भी उठाते हैं शूटिंग भी करते हैं तो हमारा हफ्ता तक तो वो भी पेन रहता ही रहता है, तो वो तो नहीं चीज करेंगे। 7-8 दिन 10 दिन आप दीजिए और उसके बाद आपको खुद फील हो जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितना मर्जी वेट ट्रेनिंग करो, जितनी मर्जी वो करो, अपना कुछ भी खाओ पियो, ऐसा नहीं है। जो भी आपके कोच अगर कोई बोले कि ये मत खाना वो मत करना, वो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। पहली बात तो ये कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप कोचिंग उससे लें जिसने खुद वेपन उठाया हो, बिल्कुल, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि कल को मैं बुक पढ़ लूँ जहाज उड़ाने की और मैं जनता को जहाज उड़ाना सिखाता रहूँ, सेम, तो वो तो मरेगा ही जाके। तो ऐसे ही आप, जिसने जहाज उड़ाया है, जिसने अंदर कॉकपिट में बैठा है, उससे नॉलेज लो, ना कि जो किताब पढ़ के कह रहा है कि मैं जहाज उड़ा लेता हूँ। एटलीस्ट ऐसा भी नहीं है कि ओलंपिक का मेडलिस्ट हो या कुछ भी हो, बेशक कम खेला है, लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि हवा में बुक पढ़ के आया और चल भाई लगा है बच्चों को वो बनाने, शूटर बनाने। सही में ये थोड़ा सा आप भी ध्यान रखना। तो चलो जी अभी हम आगे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो कुछ भी हुआ हम आपको बताते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। हाँ बाकी टिप्स ये सुरेंद्र भी देता रहेगा, आप इसके कमेंट्स में कर सकते हैं। बाकी इसको बहुत ही ज़्यादा शेयर करो, क्या बोलते हैं, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और जो भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो हम पाजी से पूछ के आपका क्लियर कर देंगे, मेरे से वो क्लियर कर देंगे, रिप्लाई कर देंगे। ओके बाय। ये देखो जी हम फाइनल रेंज सेटअप कर रहे हैं जी, टारगेट्स। ये हमारे जैम वाले भैया, वो देखो अमनप्रीत, वो हमारे सीनियर भैया हमारे खाने पे लगे हुए हैं। ये देखो ट्रेन जाती हुई टारगेट्स की। खिच के शाबाश। सबसे तकड़ा बंदा कमांड देते हुए हाथ नहीं लगा रहा है। चलो चलो बोल रहा है। हाँ ये जोड़ दी ट्राली ट्रैक्टर के साथ। हाँ
अब इस पे चलेंगी गोलियां। ये हमारी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर, हाय बोल दो। हाय हाय। आप भी अभी नेक्स्ट व्लॉग में आने वाले हो सुरेंद्र वाले में, पता है आपको? कैसा लग रहा है ये सुन के आपको? आर यू एक्साइटेड? अभी रेडी हो रही है मनु भी, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है सच में। ये और सौरभ चौधरी, मतलब इन दोनों ने हमें ये दिखाया है कि अचीवमेंट खाली किस्मत या उससे नहीं ली जाती, जब आप हार्ड वर्किंग हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, है ना मनु? भगवान भी होना चाहिए सर साहब। वो तो चलो है ही, अब घर बैठे हुए कोई हम ये सोचते रहे कि हमारे मुंह के अंदर रोटी डाल जाएगा हम खा लेंगे, पर मेहनत तो करनी पड़ती है ना। मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ, स्वाद भी तभी आता है जब मेहनत कम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी सब इनसे इंस्पायर हो के अपनी अच्छे से मेहनत कीजिए और हाँ ये देख लो, आई हैव एब्स। मन तो कर रहा है अभी उठा के आपको सच दिखा दूं। नो डिजायर टू वर्क आउट। पूरा पढ़िए जी, आप पेशेंस नहीं करते, जल्दबाजी में आप। आज इसका व्लॉग तो मैं ही शूट कर रहा हूं। और इसको सिखा रहा हूं कैसे व्लॉग शूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है मैं ही शुरू कर दूं तो इसको पीछे छोड़ ही दूंगा। कैमरा चलाने जा रहा हूं 10 मीटर। सर ये बक्सा गाने को लेंथ नहीं काटना हूं ये देखो, इतने देहाती बक्सा। बक्सा, दिस इज, ये देखो अमनप्रीत बोल रहा है इसको बक्सा। पंजाबी में दिस इज बक्सा। सर ऐसे कच्चा करिया नहीं। एंड इसको कोई टेबल नहीं बोला, कोई बेंच नहीं बोला, कोई इसको बक्सा, दिस इज बक्सा गाइस। और राजस्थान में बक्सा होता है। अगर आपने भी वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपको इसको बक्सा बोलना पड़ेगा पहले। एक बक्से को हम भी सेट कर देंगे। और ये बेचारा जितना ये शूटिंग को सीरियसली लेते हैं उतना ही ये अपनी फिटनेस के लिए भी बहुत सीरियस है, आप देख सकते हैं। और इसने कल या परसों मुझे ही कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपने अपना फिगर खराब कर लिया है, तब से मैं बहुत शर्म से पानी पानी हो रखा हूं। बाजी छोटा बक्सा किथे रही है? इथे रहा। हां मेरा बक्सा भी उरे ला बक्सा। सब कुछ मंगा लिया, सिलेंडर भी मंगा लो। हां जी मन्नू कुछ कह रही है। हां जी बोलिए भैया, सिलेंडर मंगा लो। सिलेंडर कहां है भाई? ओ सिलेंडर, सिलेंडर तो मेरा भी खाली है। है जी कुड़ी ने पंजाबी च पूछया, हैगी हैगा हुंदा वैसे पंजाबी च? नहीं एयर हैगी, एयर हैगा थोड़ी होगा। अगर आपको मजा आया तो आप मेरे को पर्सनली बताइएगा, मैं अपना शुरू कर लूंगा। मेरी खुद की शूटिंग एकेडमी है, आप इनकी एकेडमी है, अमनप्रीत शूटिंग एकेडमी राजपुरा के पास। A.S शूटिंग एकेडमी राजपुरा पंजाब में है। नंबर ये आपको डिस्क्रिप्शन में, हाँ स्क्रीन पे जो शो होता है वो कर दूंगा। एक नंबर आपको दिया जाएगा, जो भी चाहवान होंगे, जो भी अच्छी अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं उस नंबर पे कॉल कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल, पर फ्री में नहीं होगा। और आई थिंक फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। और जितनी हमारी एज नहीं है उनसे ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है, तो देख लो ये क्या कुछ बोल सकता है। ये तो कह सकता है। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 23। ये 23 साल है और मुझे 23-24 साल शूटिंग करते हुए बस इतना आप देख रहे हो ना, ये है एक्सपीरियंस। हाँ इसने बोला था कि एक सफेद बाल मतलब एक मेडल है। तो आप देख सकते हो कितने मेडल होंगे अभी। ये आज काली हो जाएगी शाम तक आई थिंक। सारे मेडल मैं छुपा के जाऊंगा ताकि एक नया और मेडल जीत सकूं कोरिया में, जगह मिल जाए। हाँ जगह बनाऊंगा और मेडल जीतने के लिए। चलो अभी बहुत हो गया जी, हम थोड़ी ट्रेनिंग भी कर लें। हाँ अभी हम ट्रेनिंग कर लेते हैं, आपको दिखाएंगे तो ट्रेनिंग करते करते। मैं इसी व्लॉग में दिखूंगा, उसके बाद मैं कोरिया चला जाऊंगा, फिर मैं डायरेक्टली पंजाब चला जाऊंगा, तो सुरेंद्र कहीं होगा मैं कहीं होगा, फिर भोपाल में मिलेंगे गाइस। इनकी रेंज विजिट करेंगे एक दिन, वहाँ पे आपको मिलवाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अमनप्रीत के साथ और वीडियोस बनाएं।
आप कमेंट सेक्शन में और इसे भी मैं सिखा दूंगा कि कैसे कैसे बात करनी है, कैसे कैसे व्लॉग बनाने हैं। दोनों तरीके की शूटिंग कर लेते हैं, ये देखो पिस्टल वाली भी, ये वाली भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। हम दोनों चीजें सीखेंगे इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, सब सिखा देंगे आपको। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर सीखना है हमने इनसे सब कुछ। आप हाँ कुछ भी सीखना है वो पर्सनल क्लास होगी हमारी, वो हम आपको नहीं सिखाएंगे। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय फॉर नाउ। ट्रेनिंग होगी जी, ख़त्म, जा रहा हूँ लंच करने, बाय।